नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने शाम के टाइम एक वीडियो बनाई थी यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन के लिए। तो वो वीडियो बनाने के बाद जो है हमारे पास कमेंट ऐसे ऐसे आए जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, उसमें जो है कमेंट बहुत सारे लोगों का था कि हम जो है लालच है हमारे अंदर और हमने जो है विकलांगों के थ्रू लालच किया है। जैसे मतलब हमें कोई कह रहा है कि तुम्हारी जेब में पैसे आ गए, तो इस तरीके के जो कमेंट थे वो हमें बड़े आश्चर्यचकित लगे। उन सब कमेंट का कोई मतलब ही नहीं था उस वीडियो के नीचे। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपने आपने हम हमने आपसे कुछ मांगा हो, आपने हमें कुछ दिया हो, ठीक है, हमने किसी के साथ कोई धोखा किया हो, तब आप ऐसी बात कह सकते हैं। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा हमें पता लगी और हमने आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। ठीक है, अब उसमें जो है गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी रहती है और कहीं ना कहीं आयोग की भी गलती रहती है। तो और फिर देखिए, अगर हम मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो फिर हमारा महत्व क्या रह जाएगा। इसके अलावा भी हम लगातार जो है विकलांगजनों को लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहे और जितने भी अदर जो कैंडिडेट हैं उनको भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने जो है 1000 सब्सक्राइबर बोले थे कि हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे करा दो। उन 1000 सब्सक्राइब में भी देखिए कुछ ना कुछ आपका भी बेनिफिट था, हमारा बेनिफिट चलो आपने मान लिया कि हमारा बेनिफिट था, लेकिन आपका बेनिफिट क्या था उसमें। अब हमें जो पता चलेगा कि आपके हम एक पोल कराएंगे, हम जो है उसमें एक कम्युनिटी का बटन आता है, अगर जिसे पता हो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपका कम्युनिटी का बटन आता है, वो कम्युनिटी का बटन जो है वो पता करता है। उसमें फिर जो पोल होता है वो कम्युनिटी के बाद ही होता है, यानी कि कितने कैंडिडेट कहाँ पर हैं और किस कैटेगरी में और किस चीज़ का एग्जाम देकर के कितने उनके मार्क्स बने हैं। तो वो सब जो पोल है वो 1000 से कम के नीचे हम नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करने में कहीं ना कहीं घबराते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन वो पोल के थ्रू बता देते हैं। चाहे उनके अच्छे मार्क्स भी हो, लेकिन लगता रहता है कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। मान लीजिए किसी के 50 मार्क्स हैं, तो वो एक ठीक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि जिनके 70 नंबर आ गए, जिनके 60 नंबर आ गए, तो वो हमारे से कहीं ना कहीं अच्छे हैं, तो वो कमेंट में नहीं लिखते। तो ऐसे जो लोग नहीं लिखते उनको भी फायदा है और आपको भी पता चलेगा कि जो है इतने परसेंटेज 30 मार्क्स हैं और इतने 40 मार्क्स हैं। तो देखिए, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं था इस तरीके की जो है वीडियो बना करके। ना ही हमें कुछ आप लोगों से हम कुछ मांग रहे हैं, ना आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब देखिए, यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो पता है, कुछ सिलेबस आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होने में अभी जो है जल्दी जारी होने वाला है। इतना टाइम लगने वाला नहीं है कि नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पैट का भी आपका रिजल्ट आ चुका है, स्कोर आ चुका है, आपका लेखपाल का भी जो है वो सिलेबस आ चुका है। अब जो बात है वो नोटिफिकेशन की है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने के फर्स्ट वीक में भी आपको देखने को मिल सकता है, जनवरी महीने में आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन की अगर हम आज के इसमें बारे में बात करें, आज इस मुद्दे पर हम बात करें, तो आपको पता है कि मार्च के अंदर इलेक्शन है, मार्च में यूपी में इलेक्शन है, और इलेक्शन जो है मार्च में है, उससे पहले कहीं ना कहीं अगर आपको देखिए ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है, लॉकडाउन लगता है, तो इलेक्शन भी कहीं ना कहीं पीछे खिसक जाएंगे। उसमें तो किसी की कोई गलती है ही नहीं, उसमें तो कोई सरकार भी जो है क्या कर सकती है, उस खतरे को कम कर सकती है। ठीक है, उसको पहले उसे कहीं ना कहीं उस पर रोक लगानी चाहिए, सख्त कानून अभी से करने चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आपके रेलवे के एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके पूरे टोटल सारे एग्जाम SSC आपके जितने भी तमाम गवर्नमेंट एग्जाम है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं उस खतरे से बढ़ने से पहले ही कहीं ना कहीं सख्ती कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब मास्क देखिए कोई भी नहीं लगा रहा, तो मास्क जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए, बहुत सारे जो है वो पहले से उन्हें कर देने चाहिए ताकि एग्जाम जो है वो डिले ना हो। और अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले पहले आपका जो है कहीं ना कहीं यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आपको पक्का देखने को मिलेगा, और उससे पहले चांस है कि आपका जो है एग्जाम भी सरकार कराए, लेकिन रिजल्ट में जो है देरी हो सकती है। अगर उससे पहले नहीं दिया जाता तो करीबन करीबन जो है 18 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी लेखपाल का वेट कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें पैट के देखिए, इसमें से बाहर तो जरूर होंगे, क्योंकि जिनका पैट में स्कोर कम है वो बाहर होंगे। ठीक है, ये संख्या जो है थोड़ी रहेगी, लेकिन वो भी अभी फिलहाल तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारा कितना, उन्हें भी तो नहीं पता कि वो बाहर हैं या फिर वो एग्जाम में देंगे, तो अभी तो जो वेट कर रहे हैं वो पूरी संख्या 18 लाख वेट कर रही है। अगर इस तरीके से जो है नोटिफिकेशन नहीं आता तो सरकार को इस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा वीडियो की तैयारी करने वाले और अगली पैट की तैयारी करने वाले, देखिए उन्होंने कहा था कि पैट 1 साल में आएगा। ठीक है, पैट कहा था उन्होंने 1 ईयर के अंदर आएगा, इस तरीके से तो पैट की भी डेट एक्सपायर हो जाएगी, फिर अगले पैट की जो है पूरा यूपी जो है वो वेट कर रहा है पैट का। तो इस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको नुकसान में नहीं लेकर के जाएगी, अपने इतनी वोटों का वो कहीं ना कहीं नुकसान देखना नहीं चाहेगी। तो जरूर आपके लिए देखिए, पहले जो जनवरी के महीने में है वो नोटिफिकेशन जरूर निकालेगी। ठीक, क्योंकि उससे सीधा सीधा नुकसान
बीजेपी गवर्नमेंट को दिख रहा है कि 18 लाख स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं यूपी लेखपाल का। तो आप जो है अब इतनी ज्यादा मतलब इधर उधर की बातों में दिमाग न लगा करके अपना पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाइएगा और पढ़िएगा। ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम यार फायदा कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं, आपका नुकसान करके हमें क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम जो है जितने भी हमने न्यूज दी है, हमने पहले ही आपको बताया था कि आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके नीचे हमें बताइएगा, लेकिन आप तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। खास करके ऐसे व्यक्ति जो हमारे चैनल से पिछले 1 या 2 महीने से जुड़ रहे हैं लगातार, उनके कमेंट ऐसे आ रहे हैं तो बड़ा जो है एक अच्छा नहीं लगता। जो बाकी अदर स्टूडेंट हैं उनके काफी अच्छे कमेंट आए जिनको देख करके काफी अच्छा लगा, और आपके कमेंट आपके लाइक ही हमें जो है एक अच्छा यूट्यूबर बनाते हैं, और हम कहीं ना कहीं आपके लिए जो है जानकारी लेकर के आते हैं। और हमने कहा था आपको 1000 सब्सक्राइब, देखिए अगर आप 1000 सब्सक्राइब करा देंगे तो उसमें सीधा सीधा आपका भी बेनिफिट है, क्योंकि फिर उसमें जो है पोल में आप जो है पता चल जाएगा कि कितने बीएच कैटेगरी के, कितने ओएच और कितने एचएच, फिलहाल तमाम जो है कैटेगरी चल रही है। अब नीचे तो कमेंट बहुत ही सारे करते हैं, वो कमेंट कोई देखता भी है, कोई नहीं कोई डिलीट भी कर देता है करने के बाद। तो इस तरीके से जो है तमाम जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, और यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन जैसे ही ऑफिशियल आएगा हम एकदम ऑफिशियल लिख देंगे उस पर, ठीक है, हम थंबनेल पर जो है ऑफिशियल लिख देंगे। अब जो यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन है पता है आपको पक्का जो है जनवरी के महीने तक आ सकता है, अब क्योंकि मार्च में अगर इलेक्शन डिले हो गए फिर हम कह नहीं कह सकते कि ये आने वाला है, ठीक है। अब जो है जनवरी के महीने में आपका ये आ जाएगा, तो आप सिर्फ तैयारी में लगिएगा, ठीक है, इतना ज्यादा मत सोचिएगा। अब मान लीजिए आपने जो है यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन आ भी गया, मान लीजिए यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ भी गया और आपका सिलेबस जो है वो आपने कवर ही नहीं किया, आपकी तैयारी जो है वो अभी भी कुछ भी नहीं है, नहीं तो आपने ग्रामीण परिवेश पढ़ा, ना आपने जो है ज्योमेट्री रेखा गणित द्विघात समीकरण ये सब पढ़ी, ना आपने हिंदी पढ़ी, ठीक है, तो फिर आप जो है किस तरीके से सिलेक्शन लोगे। अब जो है अब तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो उसमें भी तो आप अपना ध्यान रखिएगा, उसमें तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो हम जो है आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो है हमें बताइएगा कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है। ऐसा मत कहिएगा कि हमने जो है जेब भर लिया, हमने जो है कुछ लालच कर लिया और किसी के माध्यम से, खास करके विकलांगजन जो है कह रहे हैं कि विकलांगों के नाम पर हम पैसे खा रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम आपसे हमने लिया हो या आपने हमें दिया हो या किसी ने भी एक भी हमारे पास एक भी रुपया आया हो तो आप जो है तब कहिएगा कि हाँ हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो बाकी तमाम जानकारी अगली वीडियो में हम करेंगे, और कल हम जो है एनटीपीसी की कट ऑफ आपको बताएंगे, जो कि हमने आपसे वादा किया था, हम उससे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, और आपको जो है तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, चाहे वो योजनाओं से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी हो, हम तमाम फायदे की आपकी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ही या सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की, सिर्फ रेलवे की ही और हम बाकी की नहीं करेंगे, हम तमाम जो है जितनी जानकारियां हमारे पास होंगी हम आपको देते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।